नमस्कार, आप हैं द खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं हाजिर है रीवा की खबर के साथ। विगत दो दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने आम जन को काफी परेशान किया है। उस दौरान काफी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, जहां पर नाली की सफाई ना होने की वजह से सड़कों पर पानी आ रहा है, लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। इस दौरान आज हमने रीवा स्थित श्री उपनगर मोहल्ले में, जो कि वार्ड क्रमांक 10 है, जहां के लोगों से हमने बात की तो पता चला कि विगत 10-20 वर्षों से यहां पर पानी का रुकाव हो रहा है। हमने प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। पार्षद महोदय से बात करने पर पता चलता है कि वो आज नहीं कल का वादा करते हैं। इसके बाद वो यही बोलते हैं कि हमने टेंडर निकलवा दिया है, ठेकेदार ठेका नहीं ले रहे, तो हमारी क्या गलती है? तो ये जिम्मा किसका होगा, ये एक प्रश्न उठता है कि अगर पार्षद है तो ये पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि मोहल्लावासियों के लिए वो इतनी सुविधा कराएं। जहां प्रशासन की बात है तो हर नगरवासी अपने लिए नगर निगम में हाउस टैक्स देता है, ये नाली सड़क की सुविधाओं के लिए ही देता है, उसके बाद भी आम जन परेशान है। इस दौरान हमने पार्षद महोदय से बात की, बात करने के दौरान कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब उनका नहीं रहा। जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट, धन्यवाद। ये है वार्ड क्रमांक 10 रीवा जिले का श्री उपनगर मोहल्ला, जहां विगत 10-15 वर्षों से पानी भरा हुआ है। आम जनता से बात करने पर ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है और ये पहली बारिश है और आप ये देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी आ चुका है। यहाँ पर लोग भी एकत्रित हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये समस्या कब से आ रही है। ये 10 साल से ये समस्या भरी हुई है और इस जो सामने वाली नाली है वो नाली गहरी नहीं है, ऊपर है, जिसके कारण पानी नहीं जा पा रहा है और जिसके कारण यहाँ आम पब्लिक को आवागमन काफी दिक्कतें जा रही है और यहाँ के पार्षद जी कोई इस चीज़ का उनको ध्यान नहीं है, इसकी कोई समस्या का समाधान भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसकी ये समस्या के लिए पार्षद जी को 2-3 बार बोला भी जा चुका है। तो आपने नगर निगम में इसकी शिकायत की? शिकायत यहाँ मोहल्ले वालों ने 2-4 बार कर चुके हैं। पार्षद के पास भी कोई आपने शिकायत की? पार्षद के पास भी इसकी जानकारी दे दी गई। हर साल ये होता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लगभग 20 वर्षों से ये बाढ़ क्रमांक 10 में ये जहाँ पर सिर्फी के बगल में ये खाली जगह पड़ी हुई है, उसमें लगभग 3 फीट पानी 12 महीना भरा रहता है और इसके निकासी के लिए कई बार मोहल्ला वासियों से बात की, अर्जी बनवा कर और दिया गया, अभी तक कोई निदान नहीं। बरसात के बाद भी भरा रहता है? हाँ, बरसात के बाद भी। तो पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं कि अब होने वाला है, अब हो जाएगा, आप करवा देंगे, अभी तक कुछ नहीं। तो पार्षद केवल वोट लेने आते हैं, हमारे यहाँ पार्षद केवल वोट मांगने आते हैं और इनकी इतनी तगड़ी भरने शाही है। यहाँ हम लोग शिकायत कई दफे, हम लोग दूरभाष के माध्यम से इनसे संपर्क करना चाहा, ये कई दफे स्वीपर और वो भेजते भी रहते हैं, लेकिन कोई इनका काम सार्थक नहीं होने जा रहा। तो हमारे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में उन्होंने नाली भी नहीं बनवाई है, हर जगह पानी नाली तो नहीं बनवाई है भैया। हम लोग के घर में सांप बीसी घुसते रहते हैं साला, इसी पानी से जो है स्लीपी बन का पानी आता है, बताइए। कई दफे हम लोग नगर निगम के प्रशासन से शिकायत भी किया, हम लोगों ने सब कोई लिखित अर्जी भी दी यहाँ के उससे, लेकिन बताइए कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। तो वहाँ पे कितने दिन का आश्वासन दिया गया कि आपका कार्य? कोई आश्वासन ही नहीं दिया गया, वही आजकल का आश्वासन जो एक आम बात हो गई है, हर आदमी से जिससे भी पूछो तो वही आजकल। तो बारिश के बाद पार्षद महोदय कितने दिन आए हैं मोहल्ले में? पार्षद महोदय तो दिखने को तैयार ही नहीं है, पार्षद महोदय कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस वो एकदम। पार्षद का नंबर है आपके पास? पार्षद का नंबर एक जन बच्चों के पास है, सबके पास है, थोड़ा उनसे फोन लगाइए। तो चलिए हम लगाते हैं फोन, उनसे बात करते हैं।